यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास टेंथ में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 23 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है क्लास टेंथ वाले छात्र छात्रों का मैथ का और इंग्लिश का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका मैथ का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ स्पीडी आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आप जानते हैं क्लास टेंथ का आपका सेंटअप एग्जाम आपका 10 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड के स्तर पर आपका एग्जाम होगा या आपका स्कूल के स्तर पर एग्जाम होता है। तो इसका कॉपी चेक होता है या कि इसका रिजल्ट जारी होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम पर जो आपका नवंबर में जो आपका एग्जाम होगा सेंटअप एग्जाम, तो आपका बोर्ड के स्तर पर होगा, तो उसका कॉपी आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के यहाँ कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पर आपका अंक के हिसाब से आपका मार्कशीट एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा। इसलिए प्यारे साथी उसका भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, क्योंकि उसका भी पेपर मेरे पास आ जाएगा तो आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आपको क्लास टेंथ का आपका नवंबर मंथ में जो आपका एग्जाम होंगे तो आपको कहीं यहाँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेंगे, बल्कि आप इस चैनल पर आएंगे, सब्सक्राइबर लिस्ट में आप देखेंगे एजुकेशन और पब्लिक पर आपका पूरा वीडियो आपका सेंटअप एग्जाम का अपलोड रहेंगे। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग फिलहाल अभी की इस वीडियो में अर्थात की जो आपका अभी स्कूल के स्तर पर प्रश्न एग्जाम हो रहा है उस पूरे प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ आपको डाउनलोड आगे मैं सिखा देने जा रहा हूँ। देखिए क्लास टेंथ का आपका मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आज का एग्जाम में होने जा रहा है। गणित का पेपर है जिसका विषय कोड 110 रहने जा रहा है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों बात करें तो इसका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 मार्क आपका एग्जाम है, 110 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग पहले पूरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखते हैं, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की √4। अगला प्रश्न क्या कहे, द्विघात समीकरण के लिए x²-3x-10 हो का हल क्या होंगे। इसका हल हो जाएंगे सर -2:5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, द्विघात समीकरण 2x²-x+1/8 के बराबर 0 हो तो मूल, तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 1/2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चैनल को आप प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, tan x = tan a का मान cot a पदों में हो, तो 4 नंबर प्रश्न का प्रश्न का उत्तर आप नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की 1 - cot²। साइंस यहाँ पर देखिए, साइंस 63° cos 27° बराबर कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात की 1 होता है। 7 cos x²a - 7 cot² बराबर क्या हो जाएंगे, a बराबर, तो इसका उत्तर 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे 7। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न की ओर, 7 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, यहाँ पर tan1 + tan²a / 1 + cot², तो tan a = cot², सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया है, इसका उत्तर आप नोट करेंगे बिल्कुल सही tan²a। अगला प्रश्न क्या कर, यदि tan θ = cos θ हो तो θ = क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 45°, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आज के एग्जाम में देखेंगे सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में आने जा रहा है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर आगे। अगला 9वां प्रश्न आपके क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे बराबर नहीं है, इकाइयों का बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर 9वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका sin θ × cos θ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास पर छोर के केंद्र के निर्देश केंद्र का 1/4 हो तथा 2/3 हो, तो इसके छोर के निर्देशांक क्या होगा। इसका 10वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की 3:10 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए ग्यारह क्या करें, बिंदु -1.7 हो 4.3-3 को मिलाने वाले खंड को आंतरिक रूप 2:3 का अनुपात विभाजन करने वाली बिंदु को नियम है, तो 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी और इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है, तो आपका 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए 2, 3, 4, ये आपका पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। किस समकोण त्रिभुज में लंबाई के आधार पर कर्ण क्या होगा, तो 13वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात की p² + b². अगला 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 14वां प्रश्न क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है आपका 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, 1/2 × ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न संख्या 15 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में वर्ण के आधार पर क्रमशः 20 सेंटीमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर वाली लंबाई क्या होगी, तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात की इसका 21 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के आधार पर लंबाई 5/2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका 16वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका 10 16
16वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे 16वां प्रश्न का, अर्थात कि 25 वर्ग सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा आगे प्यारे साथियों इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देंगे, इस लाइव सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर कर लेंगे। उसके साथ साथ ये आपका ओरिजिनल पेपर है तो सेम टू सेम आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। चलिए कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी डीईएफ को क्षेत्रफल 121 हो तथा 39 वर्ग सेंटीमीटर हो तो सी ए बराबर 11 सेंटीमीटर तथा एफ डी की लंबाई क्या होगी, तो 17वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। चलिए कितना प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, तो 17वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा का समतुल्य अनुपात 3 हो तो क्षेत्रफल के अनुपात क्या होंगे, इसका आपका 18वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे 4:9 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहां पर देखिए 19 क्या कह रहा आपसे, 18 बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्या कह रहा है आपसे कि यदि ए बी सी डी त्रिभुज है, डी ई बराबर दो समकोण त्रिभुज है, तो ए बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन बी अर्थात कि 4:1। ये किसी बिंदु के लिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी बिंदु पर हम वृत्त को अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गोले के लिए क्षेत्रफल के अनुपात 16:9 हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा, इसका उत्तर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 64/27। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर हो तो इसका व्यास क्या होगा, तो 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 14 सेंटीमीटर। यदि किसी गोले त्रिभुज के दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा, तो 23वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि गुना। अर्ध गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि 3πr². अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, 25 क्या कह रहा है, विभवांतर का मान होता है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 100 लीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य त्रिभुज की ऊंचाई वाले बेलन के लिए संयुक्त शंकु में के आधार पर स्थिति है, तो 26वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिए ऑप्शन डी हो जाएंगे 26 का ऑप्शन डी अर्थात कि 1। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 27वां प्रश्न क्या करा है, यदि सेंटीमीटर घनात्मक गोले का मान पिघल जाते तो दूसरे बिंदु को लिए गलियों के बनाई जा सकती है, तो इसे इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 27वां प्रश्न का उत्तर आपने इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका इसका उत्तर निकलेंगे 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, इसमें से संचाई बारंबारता आपको ज्ञात करना है, तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे 27वां प्रश्न का ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आपका 28वां प्रश्न हो चुका था। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 50 से 7 वर्ग के लिए एक्जोक्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे बी 19:4 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर आपसे, नीचे दिए गए प्रश्नों का सरमान लिखे, अर्थात कि नीचे गए सरणियों को माध्यमिक वर्ग में लिखे, तो ये प्रश्न सब आपको इसका सब्जेक्टिव का उत्तर में आपको सीधे सीधे पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ लेने के लिए और इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव का उत्तर, ये सभी ऑब्जेक्टिव का और पीडीएफ में, और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का उत्तर में जल्दी इस चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप जैसे करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको आना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देंगे, आपको क्लास 9th का आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्लास 10th का आपका 21 का तो मैथ का पेपर। तो चलिए तब तक के लिए प्यारे साथ इतना ही, हम सभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।